आप लोग स्वागत है आपका मैं ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की डे आपको बताऊंगा कि आप फिर मेरे पॉकेशन में पार्कोर मैप कैसे डाउन कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने ड्रीम को तो देखा ही होगा कि वो इतने तगड़े तगड़े पार्कोर करते हैं और स्पीड रन करते हैं, स्पीड रन में पार्कोर करते हैं जो कि बहुत ही ऑसम लगता है। और मतलब वो चुटकियों में माइनक्राफ्ट को ख़त्म करते हैं, मतलब थोड़ा टाइम ही लगता है, वैसा तो ऐसा है नहीं पर बहुत जल्दी होता है। अपने को तो पूरे महीना दिन साल वाल लग जाते तब भी नहीं था। हाँ पार्कोर से थोड़ा इजी हो जाता है गेम, मतलब पीवीपी वगैरह में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और अगर आप भी सोचते होंगे कि हमारे भी जो पार्कोर स्किल्स हैं ड्रीम जैसे होते तो कितना मजा आता है, या तो हम खुद ही ड्रीम होते, स्किल लगाने से कुछ भी नहीं होता, स्किल्स आनी चाहिए। तो अगर आप भी सोचते होंगे कि अगर हम भी हमारी पार्कोर स्किल्स को किसी मैप वगैरह में बढ़ा सकते हैं तो कितना मजा आता, तो गाइस अगर आपको भी पार्कोर मैप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेशन के लिए डाउनलोड करना है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। ऐसे सम वीडियोज, ऐसे सम मॉड्स और ऐसे ही ऑसम मैप्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल में जाके चेक भी कर सकते हैं। और इससे पहले कि आप इसको डाउनलोड करने जाओ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप उसको प्रॉपर इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, आपका माइनक्राफ्ट में वर्क नहीं करेगा। और आप यही बोलो भाई वीडियो फेक थी, तो गाइस जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिए, उसको अभी जाके डाउनलोड मत करना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्यों, मतलब डाउनलोड तो करना है पर अभी नहीं करना है, क्योंकि जो लिंक है अपनी मीडिया फायर की, और आपको तो पता ही होगा कि मीडिया फायर कितनी अच्छी थी, बिना किसी ऐड के, बिना किसी झंझट के हम हमारी फाइल वहाँ पर बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए मैं मीडिया फायर की लिंक लाता था, तो बस एक बार सब्सक्राइब कर देगा जब आपको मीडिया फायर की लिंक मिलती रहेगी। तो जो लिंक है अपने मीडिया फायर के लिए आपको डाउनलोड करना, कोई दिक्कत नहीं लेना, बस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप उसको प्रॉपर इंस्टॉल कर पाओ और आपके माइनक्राफ्ट में अच्छे से वर्क करें और आप इस मैप का अच्छे से आनंद ले पाओ और आप भी ड्रीम जैसे बन जाओ, मतलब उसके बराबर ही इतना कुछ भी कर लो, मतलब पार्कोर में अच्छे बन जाओ। तो डाउनलोड करना था वो कुछ भी नहीं करना, जो फाइल डाउनलोड होगी उस पर क्लिक कर देना, आपका माइनक्राफ्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं है तो एक्सट्रैक्टिंग वगैरह कुछ लफड़ा पाया तो सिंपली उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और माइनक्राफ्ट के कॉम, मतलब गेम्स फोल्डर में जाइए, कॉम डॉट मोजेंग और वर्ल्ड वाले फोल्डर में जो जाके उसको पेस्ट कर दीजिए, आपका माइनक्राफ्ट में जो वर्ल्ड एकदम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, जैसे माइनक्राफ्ट ओपन है, मतलब ऐसे माइनक्राफ्ट को खोल लें जैसे डेली खोलते आते हो आप, तो उसके बाद कुछ भी करना है प्ले पे क्लिक करना है, जैसे मतलब कोई मॉड नहीं है, वर्ल्ड है सिंपली, तो आपको उसको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वर्ल्ड कप का आ चुकी है, मैंने आपको पहले ही दिखा दी होगी, मतलब मैं टाइम पास कर रहा था, मतलब टाइम पास नहीं, मतलब ऐसे प्ले वगैरह पे दबाया जा रहा था, तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड तो दिखे होगी गई होगी। यहाँ पे देखते हैं सुपर लावा रन पी, तो पी यानी कि पॉकेट एडिशन। तो क्या इस मॉड में, मॉड क्या मैप है ना, मॉड फालतू में कह दिया हमने, तो इस मैप में अगर आप एक रन में इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपको वर्ल्ड को रीड करनी पड़ेगी, वापस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर वापस मतलब करना पड़ेगा। और इसमें आपके पीछे पड़ा हुआ रहेगा लावा, जिससे कि आप ढंग से भाग वगैरह नहीं, मतलब मर जाओगे तो मर ही गए, सीधी बात है, मर गए तो मर गए, ड्रीम भी मर गया तो मर गया, वैसे ही मतलब वेरा रहता है ना, वेरा क्या मतलब वैसा ही रहता है, मैनहंट में वो एक बार मर गया तो वो हार जाता है, तो ये सब यहीं पर भी है। और जैसे कि मैं देख सकते हैं मेरी जो वर्ल्ड है यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे इन्फो वगैरह दिया है तो सब कुछ पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे लेवल्स इन्फो है, तो अभी तो ओनली वन लेवल है, यहाँ पर जब अपडेट होएगा तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स आ जाएंगे। तो कहाँ गया, हाँ तो ये रहा गो बैक टू स्पॉन, और यहाँ पे गेम टैप फॉर मैप इन्फो और कॉन्ग्रेट्स मैप इन्फो, मतलब यहाँ पे जब लास्ट में आते हैं एक बार, और यहाँ पे ये दिया है कि मैप कितने सारे मैप हैं, ये खाली यहाँ पे अभी एक ओवर वर्ल्ड है जो नॉर्मल एक वर्ल्ड है, और नीदर एंड और हेवन अभी फिनिश नहीं हुए हैं, वो बाद में हो जाएंगे, तो मैं इसको वापस से बना दूंगा वीडियो, तो आप इसको वापस से बाद में डाउनलोड करके खेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन्फो दिए, तो इन्फो दे सकते हैं क्रिएटर वगैरह के नाम लिखे, तो उनको अभी अपने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं ना, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो ओवर वर्ल्ड मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे वापस हम आ चुके, पर यहाँ पे आफ्टर फिनिशिंग के बाद था, हम पहले चले गए वहाँ पे, और ये लिखे इतने सारे क्रिएटर्स के नाम अपने, वो क्या मतलब, अभी तो रुक के चल लो, अपन तो क्रिएटिव में है, मैं तो आपको क्रिएटिव में दिखाऊंगा, मैं करने जाऊँगा तो 10 बार मारूंगा, 20 बार मारूंगा, कोई भरोसा नहीं। और ये रहा हाउ टू प्ले एन ऑप्शन, इसको आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको स्टार्ट करना है तो सिंपली वहाँ पर भागिए, वैसे यहाँ पर छोटा मोटा पार्कोर दे दिया है, और यहाँ पर देते हम टेलीपोर्ट हो चुके हैं हमारे के, मतलब पार्कोर के शुरू वाले मैप में, और यहाँ पे प्लेयर्स का दिया है कितने 1 2 3, तो अगर आप 1 2 3 मतलब जितने मल्टीप्लेयर के बेस्ट हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल के 1 2 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकते हो, बहुत ही बढ़िया मजे आएंगे। यहाँ पर हम तो कोई मल्टीप्लेयर है नहीं तो 1 ही ले लेते हैं, और यहाँ पर हमको दे दी गई है एक लेदर की कैप, तो एज अ कलर मतलब यहाँ पर कलर वगैरह दे देंगे, तो यहाँ पर हमको तोड़ना नहीं सामान, कहीं टूट भी जाएगा तो कहीं टूट गया, चलो कहीं नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीन तीन जेल टाइप बने, अच्छा हाँ, तो ये ओवर वर्ल्ड का नीदर वगैरह का सब कुछ दिया है, पर अभी नॉट फिनिश्ड, सीधी सी बात है अभी फिनिश नहीं हुआ,
और देखते हैं एंडर ड्रैगन यहाँ पे आ गया, तो कोई मतलब नहीं है, अभी फिनिश ही नहीं हुआ है। फिर भी चेक कर लेते, मैंने अभी तक चेक नहीं करा था, तो वो रहा एंड का और ये रहा ओवरवर्ल्ड का। हमको नीदर का चेक करना है, तो शायद नीदर का नहीं। हाँ तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्लीज़ वेट, तो हम वापस से यहीं पर आ चुके हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये रहा हमारा ओवर, पर एंडर ड्रैगन कहाँ से आ गया, इसको किल ही कर देते हैं, स्लैश किल एट ई लिख के, तो स्लैश किल एट ई। तो इस मैप को यूज़ करके आप भी बन सकते हैं ड्रीम, सही बता रहा हूँ आप भी। यार यहाँ पे कमांड ही काम नहीं कर रहा, तो कहीं नहीं, हम तो वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम कर लेते हमारा गेम मोड एस में, तो मुझे लगता है यहाँ पे होएगा नहीं, मेन लॉबी में ही होना चाहिए था गेम मोड एस। हाँ तो मेरे को लगा ही था नहीं होएगा। अब आपको अगर गेम मोड सर्वाइवल में करना तो आपको मेन लॉबी में जाके करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं एडवेंचर मेन सेटिंग से जाके हटा देता हूँ, पर मेरे को लगता नहीं हटेगा, फिर भी चेक करने में क्या बुराई है। तो यहाँ पर थोड़ी लोडिंग हो रही है, और जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैंने कर लिया सर्वाइवल में। अब आ गया होंगे सर्वाइवल में, मैं तो नहीं हुआ, लगा ही था मेरे को। तो आपको मेन लॉबी में करना पड़ेगा। और ये रहा रीसेट लावा, जो कि अनअवेलेबल है, जो कि मैंने बताया था अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको यहाँ पर कॉपी वगैरह बना के कर सकते हैं एज अ ट्राई। और देखते लिखा हुआ आ चुका है गेट रेडी, यहाँ पर हमको भागना है। और गोल, अच्छा गो कप का लिखा हुआ आ गया क्या। और यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी कुछ खास पार्कोर करने तो नहीं आती, फिर भी एज अ ट्राई मार ही लेते हैं। और आपको वन रन में कंप्लीट करना है, मैंने जैसा कि आपको बताया था। और देखते हैं लिखा हुआ आ चुका लावा हैज एंटर द ओवरवर्ल्ड, तो बहुत जल्दी अपने पीछे पीछे आएगा, तो हमको जल्दी जल्दी से पार्कोर करना है यहाँ पर ताकि हम लावा से बच सके। वैसे तो हम क्रिएटिव में, तो फिर भी हम क्रिएटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उड़ने वाला मैं आपके सामने सब पार्कोर कर रहा हूँ, वैसे अच्छा खासा आता है मेरे को, ऐसा बुरा भी नहीं आता। और यहाँ पे फेंस आ गई, एक गए नीचे गिर गए, तो यहाँ से आप लैडर से जा सकते हैं, पर हम कुछ नहीं करते, यहाँ से भाग लेते हैं। यहाँ पर हम लेवल 2 पे आ चुके हैं, यहाँ से भी लावा निकलेगा मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पर लेवल 1 फिनिश हो गया और लेवल 2 में हम आ चुके हैं। और यहाँ से भी ठीक ठाक पार्कोर, साथ जंगल था डिजाइन है, पर अपने को क्या, अपने को तो पार्कोर का मजा लेना है। तो यहाँ पे भी और दिया है, और यहाँ से हम भग के यहाँ पे आ चुके हैं। मैं अभी उड़ने वाला था, तो अभी तक लावा तो नहीं आया, पर आ जाएगा, नहीं आया तो अपने को क्या जा रहा है, अपने को तो पार्कोर से मतलब है, लावा से कोई मतलब भी नहीं है। ट्राई भी मार सकते तो बढ़िया है। तो अरे यार फिर नीचे गिर गए, तो कहीं नहीं, अपन तो क्रिएटिव में। हाँ देखते आज का फॉरेस्ट में लावा तो इतनी एकदम शुरू में आ जाएगा, तो आप भाग नहीं पाओगे, कोई मतलब नहीं है, कभी क्या मालूम कब आ जाए। और यहाँ पे हम आइसोले में आ चुके हैं, तो आइसोले में तो भागना और मुश्किल है। तो गाइस मैं अगर सारे पार्कोर आपको यहीं दिखा दूँ तो कोई मतलब नहीं है, इस मैप को आपको खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं यहाँ गिर गया तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, आप खुद से पार्कोर बन जाओगे, पार्कोर स्पेशलिस्ट यानी कि ड्रीम। और यहाँ से कहाँ जाना, अच्छा यहाँ स्लाइम पे कूदना है, और यहाँ पे अरे यार मेरी तो चोट हो गई, स्लाइम ने चोट कर दी मेरी, तो कहीं नहीं इस बार, अरे यार कहीं नहीं इसे चढ़ के चल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को लगता तो नहीं आएगा, आ तो जाएगा, सीधी बात है हर मैप में आ रहा, तो इस मैप में क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ से हमको कहाँ जाना है, अच्छा मैं यहाँ चढ़ गया तो नीचे जाना था अपने को, तो वैसे नॉर्मली। और यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे छोटी सी गेर है, इसको तोड़ के तो कहाँ जाना है भाई। अच्छा यहाँ पे भी आ चुका लावा, अब भागे कहाँ से हम, तो यहाँ से ऊपर से भी नहीं भाग सकते, साइड से भी नहीं भाग सकते। अच्छा यहाँ से गिरना है क्या, तो मेरे को यहाँ से गिरना था, और यहाँ से नीचे करके क्या करना। अच्छा यहाँ पे आके लेविएशन चढ़ जाएगी ताकि हम ऊपर आ जाएं। तो यहाँ पे हम थर्ड या फोर्थ कौन सी वर्ल्ड है, यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे कुछ का कुछ भी नहीं दिया है, तो थोड़ा उसको और पार करते हैं। और छोटी सी एक आयरन बार दी जिस पे मैं खड़ा हो गया, भाई ये क्या, हाँ लगा ही था इस पे नहीं होगा, जब उधर दिया है तो कहीं नहीं, यहाँ पे भाग लेते हैं। और यहाँ पे एक एलेट्रा दिया है, तो एलेट्रा को क्रॉस करके देखते हैं क्या है। तो हमको एक एलेट्रा मिल चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसको ऐसे क्रॉस करना है, तो ऊपर जाना मेरे को नहीं पता। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।